हेलो एवरीवन वेलकम टू मैथ्स क्लासेस बाय केवी टीचर बच्चों आज इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.5 के लास्ट सिक्स क्वेश्चंस करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर वन टू टेन हम लोग प्रीवियस टू वीडियोस में कवर कर चुके हैं जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं वी विल कवर इन दिस वीडियो तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले देखेंगे कौन सी आइडेंटिटीज इन क्वेश्चन को करने में यूज होंगी देन वी विल मूव टू दी एक्सरसाइज तो नेक्स्ट आइडेंटिटी है हमारी एक्स क्यूब प्लस बाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस थ्री एक्स वाई जेड तीनों क्यूब है माइनस में थ्री इंटू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इंटू थर्ड नंबर अगर इसके फैक्टर आपको करने हैं तो आप लिखेंगे तीनों नंबर्स का सम होगा पहले सेकेंड ब्रैकेट में होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर पहले स्क्वायर्स का सम माइनस एक्स इंटू वाई फर्स्ट इंटू सेकेंड नंबर माइनस वाई इंटू जेड और माइनस एक्स इंटू जेड ओके नेक्स्ट जो आइडेंटिटी है वो एक्चुअली इसी को यूज़ करके बनी है जिसका हम लोग प्रूफ भी देखेंगे एक्सरसाइज में बट बत मैं बता देती हूँ क्योंकि एग्जाम में कई बार ज़रूर नहीं है हमेशा प्रूफ आएगा आपको डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं ये आपकी लास्ट आइडेंटिटी है जो कि कंडीशनल है कंडीशनल मतलब कि इसके ऊपर एक कंडीशन है इसको ये चाहिए कि इफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू ज़ीरो है अगर तीनों तीन नंबर तीन है जिनका सम जीरो है मान लीजिए टू है फाइव है और माइनस सेवन है इन्हें जब आप ऐड करेंगे फाइव प्लस टू प्लस के सेवन बनेगा माइनस सेवन जीरो आएगा ओके अगर तीन नंबर्स का सम जीरो है तो आइडेंटिटी कहती है सो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल होता है थ्री इंटू एक्स इंटू वाई इंटू जेड मतलब अगर टू फाइव सेवन मैं आपसे पूछू टू क्यूब प्लस फाइव क्यूब प्लस माइनस सेवन का क्यूब कितना होगा तो आपको क्यूब्स निकाल के ऐड करने की जरूरत नहीं है आप सीधा लिख सकते हैं थ्री इंटू टू इंटू फाइव इंटू माइनस सेवन फाइव टू जार टेन थ्री सेवन जार ट्वेंटी वन तो आंसर हो जाएगा माइनस के टू हंड्रेड एंड टेन इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होता है दो ही आइडेंटिटीज हैं बाकी आपके मिडिल टर्म स्प्लिटिंग के कुछ क्वेश्चन हैं जो हम एक्सरसाइज में देख ही लेंगे सो एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब माइनस थ्री एक्स वाई जेड होता है एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस एक्सड और नेक्स्ट है आपकी कंडीशनल आइडेंटिटी की अगर तीन नंबर्स का सम जीरो है तो उनके क्यूब्स का सम है थ्री इंटू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इंटू थर्ड नंबर ऑन क्वेश्चन नंबर इलेवन इलेवें फैक्टराइज करना है ट्वेंटी सेवन एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस नाइन एक्स वाई जेड ओके फॉर्मुला तो आपको देखते ही पता लगेगा पहले तीन नंबर्स क्यूब में है यानी कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस थ्री ए बी सी या फिर माइनस थ्री एक्स वाई जेड लेकिन इसमें पहले आपको क्यूब्स डिसाइड करने पड़ेंगे कि पहले जो तीन नंबर है वो किसके क्यूब है डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना स्टार्ट नहीं करना है ट्वेंटी सेवन एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस नाइन एक्स वाई जेड ओके ट्वेंटी सेवन एक्स क्यूब को हम लोग क्या लिख सकते हैं किसका क्यूब है ये ये है थ्री एक्स का होल क्यूब तो आप इसे लिखेंगे थ्री एक्स क्यूब प्लस बाई क्यूब तो वाई का ही क्यूब है जेड क्यूब जेड का ही क्यूब है माइनस नाइन एक्स वाई जेड इसमें एक्चुअली आपको थ्री ए बी सी लिखना है थ्री एक्स वाई जेड लिखना है सो थ्री एक्स जो कि आपका थ्री एक्स है y जो कि वाई ही है और जेड जो कि जेड ही है इस तरीके से आप पहले इसको अपनी आइडेंटिटी की फॉर्म में लिखेंगे जो कि ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब माइनस थ्री ए बी सी माइनस एक्स क्यूब क्यूब जेड माइनस थ्री एक्स वाई जेड होती है अब आइडेंटिटी लिख दीजिए आइडेंटिटी हमारी है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस थ्री एक्स वाई जेड जब भी होता है सबसे पहले सेकेंड ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स होता है ये आपकी आइडेंटिटी है अब इसको आप अप्लाई करेंगे इसके ऊपर एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब माइनस थ्री एक्स वाई जेड सबसे पहले ब्रैकेट लगाएंगे हम लोग पहले ब्रैकेट के अंदर एक्स प्लस वाई प्लस जेड होता है मतलब ये प्लस ये प्लस ये सो so, ब्रैकेट x यानी कि थ्री एक्स प्लस वाई प्लस जेड एक्स प्लस वाई प्लस जेड हुआ फिर सेकेंड ब्रैकेट लगेगा उसमें एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर यानी कि इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर यानी कि थ्री एक्स का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई यानी कि ये इंटू ये थ्री एक्स इंटू वाई माइनस वाई जेड यानी कि वाई इंटू जेड क्योंकि हमारे वाई जेड एक्चुअली में वाई और जेड ही है क्वेश्चन में भी माइनस जेड एक्स या फिर एक्स जेड तो जेड आपका जेड ही है लेकिन एक्स की जगह क्वेश्चन में थ्री एक्स है ब्रैकेट क्लोज तो ये कितना होगा थ्री एक्स प्लस वाई प्लस जेड एज इट इज रहेगा वाई प्लस जेड नेक्स्ट ब्रैकेट थ्री एक्स होल स्क्वायर ये हो जाएगा नाइन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एज इट इज प्लस जेड स्क्वायर एज इट इज माइनस थ्री एक्स इंटू वाई ये थ्री एक्स वाई हो जाएगा माइनस वाई इंटू जेड वाई जेड ही रहेगा माइनस जेड इंटू थ्री एक्स ये थ्री एक्स जेड हो जाएगा और इसी के साथ आपका क्वेश्चन खत्म होता है यही आपका आंसर है ओके तो जब ये क्वेश्चन आए सबसे पहले क्यूब्स डिसाइड करने हैं पहले तीन नंबर किसके क्यूब है माइनस थ्री इंटू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इंटू थर्ड नंबर यानी कि जो आपकी आइडेंटिटी है उसके स्टैंडर्ड फॉर्म में क्वेश्चन को चेंज करना है उसके बाद आप लोग आइडेंटिटी लगाएंगे x प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस एक्स जेड नेक्स्ट क्वेश्चन वेरिफिकेशन का है क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व वेरीफाई दैट अब बारह क्वेश्चन देखिए आपको वेरीफाई करना है कि किस वाई जेड वाई जेड इक्वल होता है हाफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड इन टू एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स होल स्क्वायर अब देखिए इसकी आइडेंटिटी है आपके पास एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस थ्री एक्स वाई जेड की जो कि कहती है कि ये इक्वल होना चाहिए ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स लेकिन यहाँ पर इक्वल टू में कुछ और ही है तो हम लोग क्या करते हैं ये आपका इक्वल के दर साइड होती है इक्वल्स टू के राइट हैंड साइड में राइट हैंड साइड होती है तो एल एच एस को लेके चलिए आर एच एस की इक्वल करिए या फिर आर एच एस को लेके चलिए उसको एल एच एस के इक्वल करिए जैसा मैंने कहा था एक बड़ी चीज को आप शॉर्ट में कर सकते हैं लेकिन इस छोटे को इतना बड़ा करना थोड़ा सा मुश्किल है तो आप एक काम करिए आर एच एस को हम लोग लेके चलते हैं और धीरे धीरे यहाँ तक पहुंचेंगे यहाँ पर हम लिखेंगे हम लोग राइट हैंड साइड को सॉल्व कर रहे हैं तो पहले राइट हैंड साइड लिख लीजिए ये वन अपॉइंट टू इन टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड सेकेंड ब्रैकेट में है x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर जब इसको सॉल्व करेंगे तो आप क्या कर सकते हैं सबसे पहले ये ब्रैकेट्स में जो स्क्वायर है इनको ओपन कर लीजिए वन बाई टू एज इट इज रहेगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड एज इट इज नेक्स्ट ब्रैकेट एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस टू एक्स वाई ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस टू ए बी वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर क्या होगा वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस टू वाई जेड और जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर क्या होगा जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स जेड या फिर टू जेड एक्स जो भी आप लिखना चाहें ब्रैकेट क्लोज इसके बाद वन बाय टू एज इट इज एक्स प्लस नेक्स्ट यहां पर कुछ ऐड हो सकता है क्या कोई लाइक like टर्म है एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर ये दोनों ऐड हो जाएंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर मिलकर टू एक्स स्क्वायर बना देगा प्लस वाई स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर ये दोनों मिलेंगे तो टू वाई स्क्वायर होगा और कोई लाइट like टर्म है जेड स्क्वायर एंड जेड स्क्वायर ये दोनों मिलेंगे तो टू जेड स्क्वायर हो जाएगा बाकी जो चीजें उनको एज लिख दीजिए बाकी हमारा बचा माइनस टू एक्स वाई माइनस टू वाई जेड माइनस टू जेड एक्स या फिर टू एक्सड ब्राकेट क्लोज अब अगर आप इस सेकेंड वाले ब्रैकेट को देखेंगे टू 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 जितनी भी टर्म्स हैं सभी में टू है इन सब से टू कॉमन ले लेते हैं टू बाहर ले आते हैं सो so, यहाँ पर वन बाय टू है एक्स प्लस वाई प्लस जेड एज इट इज है टू कॉमन आपने ले लिया ब्रैकेट में क्या बचा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स सबके टू हट गए हैं बस ये नॉर्मल नंबर यहाँ आ गए और ये वन अपॉन टू बाहर पहले से ही है ये टू एक इन टू में आ गए ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो इनको कैंसिल आउट कर दीजिए क्या बचा आंसर हमारा बचा एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स ये किसका फॉर्मूला है आइडेंटिटी आपने की है तो आप लिखेंगे एज पर आइडेंटिटी ये आइडेंटिटी है हमारी एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस माइनस थ्री एक्स वाई जेड की एज पर आइडेंटिटी ये नंबर पूरा ये बन गया और ये क्या था आपका यही तो आपका लेफ्ट हैंड साइड था यही तो आपको प्रूफ करना था तो कर दिया आपने प्रूफ इक्वल्स टू लिखी एल एच एस एंड प्रूफ या फिर वेरीफाइड एक बार फिर से बता देती देते क्या, क्या है सॉल्व हमने? हमने करना स्टार्ट किया कुछ नहीं किया इन दो को तो लास्ट तक छेड़ना नहीं है एज इट इज आपको लिखते जाना है एंड तक सिर्फ इस ब्रैकेट को सॉल्व करना है like दो एक्स स्क्वायर है यहाँ पर दो बार वाई स्क्वायर और दो बार जेड स्क्वायर है बाकी एज इट इज रखा टू कॉमन लिया ये टू और ये टू कैंसिल हो गया क्या बचा एक्स प्लस वाई प्लस जेड और नेक्स्ट ब्रैकेट में ये ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड में जो नंबर है उसी की आइडेंटिटी है ओके okay? चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं थर्टींथ क्वेश्चन है ये मैंने आपको एज आइडेंटिटी भी कराई है बट ये प्रूफ uh, के केस में भी आता है कई बार प्रूफ करिए इफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड जीरो है तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल्स टू थ्री एक्स वाई जेड होता है इस क्वेश्चन को करने में हम एक आइडेंटिटी का यूज करेंगे देखिए इसमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड नहीं लेनी है इसको भूल जाइए अपने आप ही प्रूव हो जाएगा सबसे पहले आप आइडेंटिटी लिखेंगे थर्टीन क्वेश्चन जस्ट मिनट पहले अपनी आइडेंटिटी लिख लेते हैं आइडेंटिटी है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस थ्री एक्स वाई जेड जो की माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स या फिर माइनस एक्स जेड ओके आपकी आइडेंटिटी है क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है दैट है बस एक यही चीज दी है आपको कि ये जीरो है तो शो करिए जो भी आगे शो करना है तो आपकी आइडेंटिटी में एक्स प्लस वाई प्लस जेड कहाँ है ये रहा तो आप इसकी जगह जीरो रखेंगे आप लिखेंगे बाकी कुछ चेंज नहीं करना है क्वेश्चन में आप एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस थ्री एक्स वाई जेड एज इट इज रखेंगे थ्री एक्स वाई जेड एक्स वाई जेड इक्वल्स टू इसकी जगह ब्रैकेट में जीरो रखिए इन टू एज इट इज ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स जीरो से जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे ये जीरो ही हो जाएगा इधर एज इट इज रहेगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस थ्री एक्स वाई जेड जीरो इंटू ये पूरा नंबर इक्वल्स टू जीरो ओनली अब आपको क्वेश्चन में प्रूव क्या करना था आपको प्रूफ करना था एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल्स टू थ्री एक्स वाई जेड होता है तो थ्री एक्स वाई जेड को उधर ले जाइए तो ये क्या हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल में जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा थ्री एक्स वाई जेड हेंस प्रूफ कैसे किया आइडेंटिटी लिखी ये वाली आइडेंटिटी में इसकी जगह जीरो रखा इसको जीरो रखते ही पूरा राइट हैंड साइड जीरो हो गया यही बचा सिर्फ दिस इज इक्वल्स टू जीरो रह गया जीरो में फिर इसको हम आगे ले आए उधर तो वो पॉजिटिव हो गया और यही आइडेंटिटी हम यूज करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को करने में अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है दैट विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग द क्यूब्स क्वेश्चन नंबर फोर्टीन कह रहा है कि बिना क्यूब्स कैलकुलेट किए फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग इनकी वैल्यूज बताइए पहला पार्ट है माइनस ट्वेल्व क्यूब प्लस सेवन क्यूब प्लस फाइव क्यूब ओके फोर्टींथ पार्ट वन माइनस ट्वेल्व क्यूब प्लस सेवन क्यूब प्लस फाइव क्यूब हमारी एक आइडेंटिटी है कि अगर तीन नंबर्स का सम जीरो है तो फिर हम एक आइडेंटिटी लगा सकते हैं कि क्यूब्स का सम थ्री इंटू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इंटू थर्ड नंबर होता है तो पहले यहां पर आपको शो करना पड़ेगा कि तीनों का सम एक्चुअली में जीरो है आप लिखेंगे हेर यहां पर माइनस ट्वेल्व प्लस सेवन प्लस फाइव माइनस ट्वेल्व सेवन प्लस फाइव कितना होता है ट्वेल्व तो ये कितना हो गया जीरो यानी कि तीनों का सम ये जो तीनों नंबर्स हैं जीरो है तो उसके बाद आप लिखेंगे एज पर आपने प्रूव कर दिया कि एक्चुअली में तीनों का सम जीरो है तो अब हम लिखेंगे एज पर आइडेंटिटी जो हमने पिछले क्वेश्चन में प्रूव भी की है इफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड जीरो होता है अगर तीनों का सम जीरो है तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब बराबर होता है थ्री एक्स वाई जेड मतलब इन तीनों के क्यूब्स का सम यानी कि माइनस ट्वेल्व क्यूब प्लस सेवन क्यूब प्लस फाइव का क्यूब इक्वल किसके हो जाएगा थ्री इंटू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इंटू थर्ड नंबर तो इनके क्यूब का सम इक्वल्स टू तो ये हो जाएगा क्वेश्चन ने कहा था क्यूब कैलकुलेट नहीं करना है तो हम क्यूब कैलकुलेट करेंगे हम सीधा इसको सॉल्व करेंगे 12 थ्री जार थर्टी सिक्स माइनस के थर्टी सिक्स इंटू सेवन फाइव थर्टी फाइव इनको मल्टीप्लाई जब आप करेंगे तो आपका आंसर आएगा माइनस वन टू सिक्स जीरो और यही आपका आंसर है क्या करना है पहले जो तीन नंबर्स दिए हुए उनका सम जीरो है ये प्रूव कर दीजिए उसके बाद उसका आंसर थ्री इंटू फर्स्ट इंटू सेकेंड इंटू थर्ड नंबर आप लिख दीजिए अगला सेकेंड पार्ट है इसका आपको बताना है ट्वेंटी एट क्यूब प्लस माइनस फिफ्टीन क्यूब प्लस माइनस थर्टीन क्यू चलिए सबसे पहले शो करिए कि तीनों का सम जीरो है तो आप लिखेंगे यहां पर माइनस और ट्वेंटी एट जीरो तीनों का सम जीरो है एज पर आइडेंटिटी आइडेंटिटी हमारी ये कहती है कि अगर ए प्लस बी प्लस सी जीरो है तीनों नंबर का सम जीरो है सो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब होता है हमारा थ्री ए बी सी ओके तो यानी कि यहाँ पर इन तीनों क्योंकि इन तीनों का सम जीरो है तो इन तीनों के क्यूब का सम कितना हो जाएगा सो ट्वेंटी एट का क्यूब प्लस माइनस फिफ्टीन का क्यूब प्लस माइनस थर्टीन का क्यूब इक्वल्स टू होगा थ्री इंटू ट्वेंटी एट इंटू माइनस फिफ्टीन इंटू माइनस थर्टीन ओके मल्टीप्लाई करिए 28, 3, into 15 into 13. पहले तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएंगे दोनों uh, 15 थ्री हजार फोर्टी फाइव फोर कैरी फिफ्टीन वन हजाराइनटी फोर इंटू एटी फोर जब आप करेंगे द आंसर विल बी वन सिक्स थ्री एट जीरो सिक्सटीन थाउजेंड एंड थ्री हंड्रेड एंड एटी और यही आपका आंसर है अगले क्वेश्चन पर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है गिवन पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग रेक्टेंगल्स इन देयर एरियाज आर ये आपको रेक्टेंगल का एरिया दिया हुआ है आपको लेंथ और ब्रेथ बतानी है आप जानते हैं एरिया जो है वो लेंथ इन टू ब्रेथ होता है यानी कि अगर आप इस नंबर को दो नंबर के फैक्टर्स में डिवाइड कर दें दिस इंटू दिस यानी कि इसके फैक्टर अगर कर दें दो नंबर मिल जाएंगे क्योंकि क्वार्टिक है पावर टू है तो फिर एक को आप लेंथ मान सकते हैं एक को ब्रेथ अज्यूम कर सकते हैं अब इसके फैक्टर्स कैसे करेंगे square minus 35A plus 12. इसके फैक्टर हम लो करेंगे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से से लास्ट में फिर देखिए वही क्वेश्चन आ गया है जो आपने पिछले उसमें किए थे एक्सरसाइज में सो so, ये है आंसर आपको 35A. में बहुत अच्छे से करा चुकी हूँ सिर्फ उसी पर ही बेस्ड है यहां पर आप क्या देखते हैं सबसे पहले मल्टीप्लाई करके वो नंबर आना चाहिए जो फर्स्ट और लास्ट नंबर को मल्टीप्लाई करके आता है ट्वेंटी थर्टी मल्टीप्लाई करके थ्री हंड्रेड आना चाहिए और लास्ट के आगे वाला साइन डिसाइड करता है प्लस करके थर्टी फाइव आना चाहिए इसका कोई रोल नहीं है नंबर डिसाइड करने में प्लस इसका भी कई बार बच्चे सोचते हैं माइनस थर्टी फाइव आना चाहिए माइनस करके नहीं ये बाद में यूज होगा ये जो नेगेटिव साइन है अभी सिर्फ ये डिसाइड करता है प्लस करके थर्टी फाइव दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करके थ्री हंड्रेड आए प्लस करके थर्टी फाइव आए थ्री हंड्रेड के फैक्टर्स देख लेते हैं थर्टी टेन आर थ्री हंड्रेड होंगे लेकिन थर्टी और टेन तो थर्टी फाइव नहीं होते फिफ्टीन टू जार थर्टी होते हैं मतलब फिफ्टीन और ट्वेंटी का प्रोडक्ट भी थ्री हंड्रेड होगा और फिफ्टीन और ट्वेंटी थर्टी फाइव भी होते हैं मिल गए हमें दो नंबर फिफ्टीन एंड ट्वेंटी तो फर्स्ट नंबर एज इट इज रखिए ट्वेंटी फाइव ए स्क्वायर लास्ट नंबर ट्वेल्व एज इट इज रखिए मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है ये माइनस है अभी इसको यहाँ पर रखते हैं और थर्टी फाइव ए को ब्रैकेट में सॉल्व करते हैं क्योंकि माइनस के टाइम पे आप जनरली कंफ्यूज हो जाते हैं किस नंबर को नेगेटिव रखे पॉजिटिव रखें दोनों को नेगेटिव रखिए अभी इसको भूल जाइए माइनस है ही नहीं आपको थर्टी फाइव को स्प्लिट करना है फिफ्टीन और ट्वेंटी में तो थर्टी फाइव को हम लिख सकते हैं फिफ्टीन ए प्लस ट्वेंटी ए फिफ्टीन ए प्लस ट्वेंटी ए नेक्स्ट में ब्रैकेट ओपन करिए ट्वेंटी फाइव ए स्क्वायर एज इट इज माइनस फिफ्टीन ए माइनस ट्वेंटी ए प्लस ट्वेल्व कॉमन लीजिए ट्वेंटी फाइव ए फिफ्टीन ए क्या कॉमन है फाइव के टेबल में दोनों आते हैं फाइव और ए तो है ही दोनों के पास फाइव फाइव जार ट्वेंटी फाइव और एक ए बच जाएगा मतलब यहाँ पर फाइव ए बचेगा माइनस फाइव थ्री ज़ार फिफ्टीन ए तो था एक ही वो जा चुका है तो सिर्फ थ्री बचेगा यहाँ पर ये जो साइन होता है मैंने आपको बताया था अक्सर यही आगे कॉमन आता है तो माइनस लगा दिया आपने और जैसे ही माइनस आएगा दोनों के साइन भी चेंज होंगे ट्वेंटी ए और ट्वेल्व इनमें क्या कॉमन है ट्वेंटी और ट्वेल्व किसकी टेबल में आते हैं फोर की सो फोर कॉमन ले लीजिए फोर फाइव ट्वेंटी माइनस की बाहर जा चुका है तो यहाँ पर हम सिर्फ फाइव लिखेंगे और ए लिखेंगे ब्रैकेट लगाएंगे फाइव ए क्योंकि माइनस कॉमन गया है तो यहाँ पर दो माइनस मिलके प्लस बनाते हैं एक चला गया तो एक माइनस रह जाएगा साइन चेंज हो जाते हैं अंदर के एंड फोर थ्री जार ट्वेल्व सो थ्री बचेगा दोनों ब्रैकेट में सेम नंबर है तो so, ये आप लिख देंगे फाइव ए माइनस थ्री इंटू दूसरे ब्रैकेट को मिलेगा फाइव ए माइनस फोर दो नंबर के प्रोडक्ट आपके पास आ चुकी है अब इनको एक को लेंथ ले लीजिए एक को ब्रेथ ले लीजिए सो लास्ट में आप लिखेंगे सो लेंथ इक्वल्स टू फाइव ए माइनस थ्री एंड ब्रेथ इक्वल्स टू फाइव ए माइनस फोर सिंपल ओके चलिए सेकेंड पार्ट पर आते हैं फिर से एरिया आपको दिया हुआ है सेकेंड पार्ट है हमारा थर्टी फाइव वाई स्क्वायर प्लस थर्टीन वाई माइनस ट्वेल्व मल्टीप्लाई करके वही आना चाहिए जो फर्स्ट और लास्ट नंबर को मल्टीप्लाई करके आता है थर्टी फाइव इंटू ट्वेल्व ट्वेल्व फाइव जार्सटी जीरो सिक्स कैरी ट्वेल्व थ्री जार थर्टी सिक्स थर्टी सिक्स प्लस सिक्स फोर्टी टू मतलब मल्टीप्लाई करके फोर ट्वेंटी आना चाहिए और माइनस करके थर्टीन आना चाहिए ये साइन डिसाइड करेगा माइनस करके थर्टीन आए और मल्टीप्लाई करके फोर ट्वेंटी ऐसे कौन से नंबर है फोर ट्वेंटी के फैक्टर्स देखिए फोर ट्वेंटी किन किन की टेबल में आता है अब ये थोड़ा पता करना मुश्किल है वैसे सेवन सिक्स ज़ार फोर्टी टू होते हैं सेवेंटी इंटू सिक्स हो सकता है लेकिन सेवेंटी और सिक्स का डिफरेंस थर्टी नहीं होने वाला अगर ऐसा कोई क्वेश्चन कई बार आ जाता है तो फोर ट्वेंटी के फैक्टर कर लीजिए फोर ट्वेंटी टू टू जार फोर टू वन जार टू ज़ीरो टू वन जार टू ज़ीरो टू फाइव जार टेन थ्री थ्री जार नाइन थ्री फाइव जार फिफ्टीन फाइव सेवन जार एंड सेवन वन जार अब यहाँ से किसी भी तरीके से दो अलग अलग नंबर्स के पेयर बनाइए मान लीजिए इन तीनों को आपने एक साथ लिया इन दोनों को एक साथ लिया है पहले टू टू जार फोर फोर थ्री जार ट्वेल्व ट्वेल्व आया फाइव सेवन जार थर्टी फाइव क्या थर्टी फाइव और ट्वेल्व का डिफरेंस थर्टीन है बिल्कुल ट्वेंटी थ्री है थर्टी फाइव माइनस ट्वेल्व थ्री टू ट्वेंटी थ्री हमें थर्टीन चाहिए तो कोई और कॉम्बिनेशन ट्राई करना पड़ेगा टू टू और फाइव को एक साथ ले लीजिए और थ्री और सेवन को एक साथ टू टू जर फोर फोर फाइव आर ट्वेंटी और सेवन फाइव थर्टी फाइव और ट्वेंटी का डिफरेंस भी थर्टी नहीं है कुछ और ट्राई करते हैं टू टू एंड सेवन टू टू जार फोर फोर सेवन ट्वेंटी एट एंड थ्री फाइव आर फिफ्टीन इनका डिफरेंस देखते हैं थ्री थर्टीन येस नंबर्स हैं हमारे ट्वेंटी एट एंड फिफ्टीन मल्टीप्लाई करके फोर ट्वेंटी आएगा और माइनस करके थर्टीन ओके ट्वेंटी फाइव एंड ट्वेंटी एट सॉरी ट्वेंटी एट एंड फिफ्टीन ओके फर्स्ट नंबर एज इट इज रहेगा थर्टी फाइव वाई स्क्वायर लास्ट नंबर को भी में भी कोई चेंजेस नहीं करने हैं थर्टीन वाई अब थर्टीन को ट्वेंटी एट और फिफ्टीन की टर्म्स में कैसे लिखेंगे ऑब्वियसली ट्वेंटी फिफ्टीन वाई तो थर्टीन वाई के बीच में प्लस है तो कोई ब्रैकेट की जरूरत नहीं है जब प्लस हो तो हमारा एक स्टेप कम हो जाता है प्लस ट्वेंटी एट वाई माइनस फिफ्टीन वाई चलिए अब पेयरिंग करते हैं नंबर कॉमन uh, होगा 7, क्योंकि 7 की टेबल में दोनों आ जाते हैं सो so, सेवन और वाई कॉमन लिया सेवन फाइव और एक वाई रह जाएगा 7, 4, y चला गया तो प्लस फोर ओनली सो फाइव वाई प्लस फोर यहाँ से क्योंकि यहाँ पर माइनस है माइनस कॉमन आएगा एक तो फिफ्टीन वाई और ट्वेल्व फिफ्टीन और ट्वेल्व किसकी टेबल में आते हैं थ्री की टेबल में थ्री ही कॉमन होगा क्योंकि वाई यहाँ है यहाँ नहीं है ब्रैकेट में बचेगा थ्री फाइव जार फिफ्टीन और वाई यानी कि फाइव वाई क्योंकि माइनस कॉमन जा चुका है यहाँ पर प्लस हो जाएगा माइनस के बाहर जाते ही सारे साइन चेंज हो जाते हैं ब्रैकेट के देन थ्री फोर जार ट्वेल्व फोर दोनों ब्रैकेट में सेम आंसर है यानी कि हमारा आंसर बिल्कुल सही है ये होगा फाइव वाई प्लस फोर और सेकेंड ब्रैकेट में आप लिखेंगे सेवन वाई माइनस थ्री अब इनमें से इसको लेंथ ले लीजिए इसको ब्रेथ ले लीजिए तो आप लिखेंगे लेंथ इक्वल्स टू फाइव वाई प्लस फोर एंड ब्रेथ इक्वल्स टू सेवन वाई माइनस थ्री ओके चलिए लास्ट क्वेश्चन पर आते हैं सिक्सटींथ क्वेश्चन है आपका वॉट इज द पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर डायमेंशन ऑफ क्यूबॉइड क्यूबॉइड की डायमेंशन आपको बतानी है क्यूबॉइड में लेंथ ब्रेथ और हाइट होती है हुज वॉल्यूम्स आर गिवन बिलो वॉल्यूम आपको दिया हुआ है वॉल्यूम क्या होता है क्यूबॉइड का आपने मेन्सरेशन में पढ़ा होगा लेंथ इन ब्रेथ इंटू हाइट मतलब कि इस इस एक्सप्रेशन के आपको थ्री फैक्टर्स करने हैं फिर उनमें से एक को हम लेंथ एज्यूम कर लेंगे एक को ब्रेथ एक को हाइट अब आप कहेंगे इसमें तो दो ही नंबर्स हैं सो हमारे लिए और भी इजी है दो में तो सिर्फ आप कॉमन ही ले सकते हैं थ्री एक्स स्क्वायर माइनस ट्वेल्व एक्स क्या कॉमन है यहाँ पर थ्री कॉमन है और एक्स भी कॉमन है ब्रैकेट में क्या बचेगा एक एक्स रह जाएगा एंड थ्री फोर ट्वेल्व माइनस फोर अब इसके आगे कुछ आप कर नहीं सकते क्योंकि एक्स माइनस फोर ही रह गया उसके फर्दर फैक्टर होंगे नहीं बाहर थ्री एक्स है तो इसमें वैसे आपको तीन नंबर्स मिल चुके हैं थ्री एक्स और एक्स माइनस फोर तो इसको लेंथ ले लीजिए आप लिखेंगे सो लेंथ एक्स है breath, so length 3 है X है और हाइट है एक्स माइनस फोर क्योंकि थ्री एक्स का मतलब है ना थ्री इंटू एक्स इंटू ये सो लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट सिंपल नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है आपका सेकेंड पार्ट वॉल्यूम है ट्वेल्व के वाई स्क्वायर प्लस एट के वाई माइनस ट्वेंटी के जब भी आप कोई क्वेश्चन लिखते हैं सबसे पहले ये देख लीजिए कुछ कॉमन तो नहीं है क्योंकि बिल्कुल हमें दिखाई दे रहा है के के तीनों के पास है ट्वेल्व एट और ट्वेंटी में से भी नंबर कॉमन आ सकते हैं तो ट्वेल्व एट और ट्वेंटी में फोर कॉमन है और एक के कॉमन है फोर के आप कॉमन ले लेंगे ब्रैकेट में क्या बचेगा फोर थ्री जार ट्वेल्व के गया वाई स्क्वायर सो थ्री वाई स्क्वायर प्लस फोर टू जार एट के गया वाई माइनस फोर फाइव जार ट्वेंटी अब ये जो है आपका क्वार्टिक इक्वेशन है इसके फर्दर फैक्टर हो सकते हैं तो फिर से इसके फैक्टर करेंगे मल्टीप्लाई करके आना चाहिए फाइव इंटू थ्री को जो मल्टीप्लाई करके आ रहा है यानी कि फिफ्टीन और माइनस करके आना चाहिए टू कौन से वो नंबर्स हैं मल्टीप्लाई करके फिफ्टीन आई माइनस करके टू फाइव और थ्री फाइव थ्री जर फिफ्टीन और फाइव माइनस थ्री टू फोर के को बाहर एज इट इज रखिए जो भी काम होगा ये ब्रैकेट में हम लोग करेंगे इसके जो फैक्टर आप कर आपको करने हैं थ्री वाई स्क्वायर बाहर एज इट इज रखिए माइनस फाइव पीछे एज इट इज रखिए टू वाई की जगह आप फाइव वाई माइनस थ्री वाई रख सकते हैं फोर के साथ साथ ही चलता रहेगा uh, क्या कॉमन है थ्री वाई स्क्वायर और फाइव वाई में कुछ भी नहीं सिर्फ वाई ही है सो so ब्रैकेट में थ्री वाई प्लस फाइव बचेगा वाई चला जाएगा माइनस कॉमन लेंगे थ्री वाई और वाई और फाइव में कुछ भी कॉमन नहीं है सो so वन आएगा यहाँ पर थ्री वाई प्लस फाइव बचेगा अब एक ब्रैकेट में फोर के इंटू दूसरे एक ब्रैकेट में आप थ्री वाई प्लस फाइव रखेंगे ये जो कॉमन नंबर है और दूसरे ब्रैकेट में वाई माइनस वन तीन फैक्टर्स आपको मिल गए एक्चुअली चार फैक्टर मिल गए हैं वन टू क्योंकि फोर के का मतलब भी फोर इन टू है थ्री फोर लेकिन अभी हम फोर के को एक ही ले लेते हैं क्योंकि हमें लेंथ ब्रेथ और हाइट ही चाहिए तो आप लिखेंगे पॉसिबल लेंथ है हमारी फोर के ब्रेथ है हमारी थ्री वाई प्लस फाइव एंड हाइट इज इक्वल्स टू y माइनस वन सिंपल ओके इजी ही है सभी क्वेश्चंस चलिए होपफुली सभी जो इसकी आइडेंटिटीज हैं क्वेश्चंस हैं कैसे आइडेंटिटी अप्लाई करनी है सभी आपको क्लियर हो गया होगा थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग